हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको 5G के बारे में। 5G के अभी जो नेटवर्क्स आ रहे हैं, कई सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, तो हमें 5G लेते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और 5G में हमें क्या चीज़ें बेनिफिट्स हैं, क्या चीज़ है 5G, उसमें क्या चीज़ें हमें प्लस मिलेंगी और 4G अभी जो आ रहे हैं उसे लेना चाहिए या 5G लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो 4G आ रहे हैं उसमें अगर आप फ़ोन लेते हैं तो वो भी मच बेटर है अभी 5G में टाइम। बट मैं 5G के बारे में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, 5G जो फ़ोन होता है वो 4G से फास्ट होता है और यहाँ पे 5G जो नेटवर्क होता है वो आपका 1 GB से 10 GB की स्पीड देता है। वहीं 4G 300 MB की मैक्सिमम स्पीड दे सकता है। यहाँ पे आप इससे जान सकते हैं कि जो 1080 की फुल HD की मूवी होती है 10 से 40 सेकंड के बीच में आप 5G में डाउनलोड कर सकते हैं। 5G बहुत फास्ट नेटवर्क है और 5G की अगर बात करें तो इसमें कई सारे नेटवर्क बैंड होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हमें अलग अलग स्पीड भी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें तो इसमें जो बैंड्स होते हैं MM वेव होती है। अगर आप बहुत हाई स्पीड चाहते हैं तो इसका जो कवरेज होगा थोड़ा कम होगा। अगर आपकी MM वेव जो बैंड्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा कवरेज हैं तो उसमें आपकी 5G की स्पीड कम हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान देना है 5G लेते टाइम कि हमारा जो फ़ोन है उसमें कितने सारे नेटवर्क बैंड हैं। कभी कभी कुछ फ़ोनों में एक ही नेटवर्क बैंड देखने को मिलता है। एग्जांपल की बात की जाए तो वीवो का Y72 है, उसमें केवल एक ही नेटवर्क बैंड दिया हुआ है। वहीं पे वीवो का एक जो फ़ोन है आपका V21 Pro, उसमें भी एक ही नेटवर्क बैंड दिया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, एक ही नेटवर्क बैंड, एक ही फ्रीक्वेंसी वाला आप फ़ोन मत लीजिए। हो सकता है कि आपके एरिया में उस फ्रीक्वेंसी का नेटवर्क ना लगा हो या फिर वहाँ पे कवरेज ना हो, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे अगर हम 5G फ्यूचर के लिए सोच के अगर फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें मल्टी फ्रीक्वेंसी बैंड देखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ओप्पो का Reno 6 Pro ले लीजिए या फिर आप Reno 6 ले लीजिए, उसमें कम से कम 10 से 15 नेटवर्क बैंड हैं। अगर एक नेटवर्क बैंड की कवरेज नहीं मिलती है तो दूसरे नेटवर्क बैंड के थ्रू हम अपनी स्पीड ले सकते हैं और नेट भी अच्छा चलेगा, कवरेज भी अच्छी होगी। इसी तरीके से दोस्तों बताना चाहूँगा, अभी 5G के जो फ़ोन हैं बहुत ही कॉस्टली हैं, क्योंकि अभी आप 5G 4G में सेम रैम रोम देख सकते हैं मगर कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है 5G के साथ। तो आप 5G फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर फ़ोनों में आपके 20 की रेंज में आपका TFT डिस्प्ले मिलेगा, वहीं 4G में सुपर एमोलेड मिलेगा और 4G कई तरीके से बेहतर भी रहेगा। उसकी बैटरी अच्छी रहेगी, डिस्प्ले, कैमरा सब कुछ अच्छा रहेगा मगर वहीं 5G में कम रहेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म फ़ोन यूज करते हैं, एक बार लेने के बाद आप उसे 2-4 साल 3 साल चलाते हैं तो आप 5G फ़ोन लीजिए, नहीं तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप 4G फ़ोन भी यूज कर सकते हैं अगर आप कुछ ही दिनों में उसे एक्सचेंज कर देते हैं तो, क्योंकि 5G अभी डिले है आने में, अभी 2 साल लग सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।